दोस्तों अगर आप लोगों का भी लेबर कार्ड बना हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों का लेबर कार्ड तो बना हुआ होता है बट दोस्तों सरकार की तरफ से कोई भी योजना लेबर कार्ड वालों के लिए आती है तो हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से अपने लेबर कार्ड की किसी भी योजना का पता लगा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन अपने मोबाइल से घर बैठे। और दोस्तों साथ ही आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही उस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों किस तरह से आप लोगों को योजनाएं चेक करनी है, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को और भी ऐसी ही नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग कौन से राज्य में रहते हैं, जिससे कि दोस्तों मैं अगली वीडियो उन्हीं राज्यों पर बना सकूं और उन राज्यों में कोई भी योजना निकली हुई हो तो उस पर मैं वीडियो बना सकूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों लेबर कार्ड की किसी भी योजना को चेक करने के लिए आप लोगों को upbocw.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप लोग अगर चाहो तो वहां से डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। और अगर आप लोग चाहो तो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं upbocw.in। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ये वेबसाइट कुछ इस प्रकार की दिखेगी और ये वेबसाइट उत्तर प्रदेश की है। अगर दोस्तों आप लोग किसी और राज्य में रहते हैं तो आप लोगों को MP या फिर जिस भी राज्य में रहते हैं उसी राज्य का नाम डालकर सर्च कर देना है तो ये वेबसाइट आप लोगों के सामने आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि श्रमिक अधिष्ठान योजनाएँ। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर योजनाएँ वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों योजनाएं वाले ऑप्शन पर आप लोग एक बार क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहां पर तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे, समस्त योजनाएं, योजना में आवेदन की स्थिति और योजनाओं से लाभान्वित श्रमिकों की सूची। तो आप लोगों को समस्त योजनाएं वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लेबर कार्ड से रिलेटेड जितनी भी योजनाएँ यहाँ पर चल रही होंगी वो सभी योजनाएँ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हो लेबर कार्ड वालों के लिए काफ़ी सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, आवासीय विद्यालय योजना, सौर ऊर्जा सहायता योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना। जैसे कि जिसका भी श्रमिक कार्ड बना हुआ है उसकी कन्या का जब भी विवाह होता है तो उसको अनुदान मिलता है। उसके बाद दोस्तों आवास सहायता योजना, शौचालय सहायता योजना और चिकित्सा सुविधा योजना। दोस्तों ये जो चिकित्सा सुविधा योजना है इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इसमें अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोगों को हर वर्ष 3000 रुपये दिए जाते हैं। अगर आप लोग भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख कर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर काफ़ी सारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो एक योजना है देय हित लाभ, इसमें आप लोगों को 6000 रुपये का फ़ायदा होता है। तो अगर आप लोग किसी भी योजना का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं कि आप लोगों को किस प्रकार से किसी भी योजना में आवेदन करना है। इसके लिए आप लोगों को यहां पर बैक आना है मुख्य पृष्ठ पर, उसके बाद आप लोगों को यहां पर कुछ और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोगों को यहां पर एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा योजना का आवेदन, यहीं पर आप लोगों को एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ से अपना मंडल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है जो भी लेबर कार्ड में हो। उसके बाद आप लोगों को यहां पर अपना मोबाइल नंबर भी एंटर कर देना है, और मोबाइल नंबर आप लोगों को वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आप लोगों के लेबर कार्ड से रजिस्टर्ड हो। जैसे ही आप लोग मोबाइल नंबर डालेंगे उसके बाद आप लोगों को आवेदन पत्र खोलने वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है तो आप लोगों के सामने योजना का पूरा फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को उस फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर देना है तो आप लोगों का उस योजना के तहत आवेदन हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग योजना आवेदन का डिटेल वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को देखकर आप लोग किसी भी योजना में आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आप लोग किस प्रकार से लेबर कार्ड की किसी भी योजना को चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।